कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जतला है। तीसरा बल्ली आए गेंद के अच्छी गेंद जिसके अंदर निकाल दिया है, जब तक फील्डर गेंद को बीन कर दो रन बनाने का मौका था। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, हल्के कर उसे तेज हुए बल्ले पर लगे जाके सीधे सीधे टेस्ट पर लगी और सब बोल्ड होते हुए यहाँ पर खराब बल्लेबाजी कही जाएगी चोरवन की ओर से। किस्मत भी उनका साथ नहीं। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, हल्के कर उसे तेज हुए बल्ले पर लगे जाके सीधे सीधे टेस्ट पर लगी और सब बोल्ड होते हुए यहाँ पर खराब बल्लेबाजी कही जाएगी चोरवन की ओर से। किस्मत भी उनका साथ नहीं। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, हल्के कर उसे तेज हुए बल्ले पर लगे जाके सीधे सीधे टेस्ट पर लगी और सब बोल्ड होते हुए यहाँ पर खराब बल्लेबाजी कही जाएगी चोरवन की ओर से। किस्मत भी उनका साथ नहीं। तो यहाँ से जश्न गुरेज का आगाज हो चुका है जो 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यहाँ पर चलेगा। इसमें बहुत से इवेंट्स यहाँ पर मुनाकिद किए जा रहे हैं जिसमें इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें कुल मिलाकर 16 टीमों ने शिरकत की है। मैराथन रेस होगी, यहाँ पर साइकिलिंग होगी, रॉटिंग होगी, इस तरह के बहुत से कल्चर इवेंट्स होंगे, बहुत से इवेंट्स यहाँ पर मुनाकिद किए जा रहे हैं। हम सबको दावत दे रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और जश्न गुरेज का लुत्फ ले और इस ग्रीन वैली का लुत्फ ले। इस पूरे इवेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रही है नरेंद्र राजपूत द्वारा यानी इंडियन आर्मी द्वारा इस पूरे इवेंट को इनकाद कर रही है। बहुत से इवेंट है, आप गुरेज आए, गुरेज की खूबसूरती को देखिए और आके जश्न गुरेज में हिस्सा लीजिए। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।